الأجل مضى مضى. बेटा वसीम, बेटा वसीम, बेटा वसीम, आपको कब से आवाज दे रहे हैं बेटा? जी बाबा, आवाज सुनी पर गेम में हो ना? बेटा हमारी दवाई खत्म हो गई है, जरा मेडिकल से हमारी दवाई ले आना। जब हम उतरेंगे तो ले आएंगे। ठीक है बेटा। ओ नो, आउट हो गया। सोहेल के यहाँ ही चला जाता हूँ। सलाम अलैकुम सोहेल भाई। अलैकुम सलाम, आओ बैठो। क्या देख रहे थे, कोई नया गेम आया है क्या? नहीं भाई, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा वक्त दीनी इल्म हासिल करने में निकाल सकूं। अच्छा। बस वही कर रहा था। अच्छा माशाल्लाह। तुम्हें पता है एक नई तमसील अल मुंतज़र टीवी के यूट्यूब चैनल पे आई है, जो हमारे आखिरी इमाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात पर है। ओ। चलो साथ देखते हैं। हाँ हाँ, अल मुंतज़र टीवी की सारी फिल्म्स देखी है मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। चलो बेटा अली, जरा देखो तो दरवाजे पर कौन है। जी जी, आइए अंदर। बेटा अली जरा पानी तो लाना। सामान। जी बाबा। शुक्रिया। ये लीजिए बिस्मिल्लाह, बड़ी जहमत की आपने। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया हुसैन भाई, मौला आपको सलामत रखे। मौला आपको भी अपने हिफ्ज अमान में रखे। खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। ए बंदे खुदा, अली के नाम पे कुछ अता कर दे। जो बेटा अली, साहिल को कुछ फल और रोटी सदका दे दो। आहा, हैदर कर रहा तेरा भला करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शुरू करो बिस्मिल्लाह। बाबा हमें सदका क्यों निकालना चाहिए? सही कहा आपने, सदका क्यों निकालना चाहिए। दस्तरखान की तहजीब है कि पहले खाना नोश फरमाए, उसके बाद हम आपको सदके के बारे में वजाहत करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये ठीक है बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा बाबा आप सदके के बारे में वजाहत करने वाले थे। हाँ, अच्छा याद दिलाया, सदका हमें रोज निकालना चाहिए, चाहे रकम छोटी ही क्यों ना हो। सदका बला और मुसीबत को दूर करता है। अच्छा। और इंसान को महफूज रखता है। लेकिन याद रहे, खुद अपना सदका निकालने से पहले अपने वक्त के इमाम का सदका जरूर निकाले। जी जरूर। और याद रहे, इमाम हमारे वालिद शफीक है, हमारे मेहरबान इमाम, उनके लिए नेक आमाल अंजाम देने चाहिए ताकि वो खुश हो। और एक बात, जब कभी भी हम बला व मुसीबत में घिर जाएं तो अपने इमाम से तवस्सुल करना ना भूलें। जी जरूर। रात काफी हो चुकी है,
रात को सोने से पहले और सुबह आंख खुलते ही अपने जमाने के इमाम को सलाम किया करें। आइए अब सो जाते हैं। सलाम अलैकुम। हकीम साहब, हकीम साहब। सलाम अलैकुम बेटा, क्या हुआ, क्यों इतनी जोर जोर से आवाज लगा रहे हो? जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए हकीम साहब। क्यों, क्या हुआ? बाबा, बाबा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। वो कुछ कह नहीं पा रहे, ना ही हिल पा रहे हैं। या अल्लाह, ठीक है तुम जाओ, हम आते हैं। सलाम अलैकुम हुसैन साहब। देखिए ना हकीम साहब, बाबा क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है चलो। या अल्लाह, इस मासूम को मैं कैसे बताऊं कि इस पर कितनी बड़ी मुसीबत आई है। या अल्लाह, इस मासूम को सब्र और अपना रहम अता फरमा। बताइए ना हकीम साहब, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? बेटा, तुम्हारे वालिद एक शदीद बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, जो कि ला इलाज है, जिसे फालिज कहते हैं। वो ना तो चल सकते हैं, ना तो कुछ कह पाएंगे, जब तक खुदा का कोई मौजजा ना हो जाए। या अली मदद। ये कुछ दवाइयां हैं, शायद कुछ असरात कम हो जाए। और बेटा, अपने वालिद के लिए दुआ करना मत भूलना। अगर कोई भी ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर याद करना। जी इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, मैं अब चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये लीजिए बाबा, दवाई खा लीजिए। ये लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए। या अल्लाह, मैं क्या करूं, घर में खाने के लिए दाना भी नहीं बचा। बाबा ने जो पैसे संभाल कर और बचा कर रखे थे, वो भी सब ख़त्म हो गए। बाबा की हकीम साहब के पास से दवाइयाँ भी लानी थी, अब मैं क्या करूं? या इमाम दमान, मेरी मदद कीजिए। या मौला, मेरी मदद कीजिए। या इमाम दमान, मदद कीजिए मौला। अपने इस नन्हे मुंतज़र पे अपनी नज़र इनायत कीजिए मौला, मदद कीजिए मौला, मदद कीजिए। बेटा अली, बेटा अली। जी जी चाचा जान, सलामुन अलैकुम। आइए, अंदर आइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मोहसिन। कैसे हो बेटा अली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं बस आपके लिए पानी लेके आया। नहीं नहीं बेटा अली, हम तो खास हुसैन भाई की खैर व खैरियत के लिए आए, तुम परेशान ना हो। चलो हुसैन भाई के पास चलते हैं। जी आइए।
सलाम अलैकुम हुसैन भाई, कैसे मिजाज है? बेटा अली, बाबा की तबीयत कैसी है अब? क्या बताऊं, बाबा की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। बेटा अली, मायूस ना हो, इंशाल्लाह हमारे इमाम हमारे वालिद शफीक है, इंशाल्लाह मौला तुम्हारे बाबा को जल्द सेहत अता फरमाएंगे। तुम हिम्मत बनाए रखना बस, हम सब भी तुम्हारे बाबा के लिए रोज़ बाद नमाज दुआ करते हैं, इंशाल्लाह इमाम इन्हें जल्द ठीक कर देंगे। इंशाल्लाह, आमीन आमीन। चलो बेटा। जी अली। बेटा अली, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? कुछ नहीं चाचा जान, बस ऐसे ही। बेटा ये रखो, इससे तुम्हारी परेशानियों में कुछ आसानी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। बेटा अपने बाबा की खातिर रख लो, अल्लाह तुम्हें अलवैद के सदके में सलामत रखे और तुम्हारे बाबा को जल्द अज जल्द शिफा अता फरमाए। इलाही आमीन। खुदा शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या इमाम ज़माना शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ मेरे बाबा, देखिए ना आपके बीमार हो जाने से आपके अली की क्या हालत हो गई है। घर में खाने को भी कुछ भी नहीं था, जिस तरह आप मुफलिसों की मदद किया करते थे उसी तरह आज लोग हमारी हालत देखकर मदद कर रहे हैं बाबा। अब मैं क्या करूँ, आप ही मुझे कुछ बताइए, अब तो उम्मीद भी टूटती नजर आ रही है। या वसी अल हसन वल खलफ अल हुज्जा अय्युहल क़ाइम अल मुंतदर अल महदी इब्न रसूलुल्लाह या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़ि या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इला अल्लाह وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله سلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان اے ہمارے والد الشفیق اے امام زمانہ مدد کیجئے مولا آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے میرے مولا مدد کیجئے हमें इस तकलीफ़ से निजात दिला दीजिए मौला, मेरे बाबा को शिफा दिला दीजिए। अली बेटा उठो। बाबा बेटा। बाबा आप कैसे खड़े हो गए, क्या आप ठीक हो गए? हकीम साहब ने तो कहा था आपको एक लाइलाज बीमारी है, क्या आप सही में ठीक हो गए? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे और आपके वक्त के इमाम इमाम ज़माना अज्जलल्लाह तआला फरजहु शरीफ आए थे। इमाम ज़माना, हमारे वक्त के इमाम कहाँ है वो, क्या वो सही में यहाँ आए थे? हाँ हाँ बेटा, वो आए थे, बिल्कुल आए थे। जब मुझे कोई होश ना था तो मैंने महसूस किया कि कोई मुझे बुला रहा है, आवाज़ दे रहा है। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि हजरत का पुरनूर चेहरा मेरी निगाहों के सामने था और उन्होंने मुझसे फरमाया, ए हुसैन बिन मुदल्लिल उठो। बात करो, मैं तुम्हारा वक्त का इमाम तुम्हें हुक्म देता हूं, उठो। या इमाम, आप पर मेरी जान कुर्बान, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन आप जानते हैं
मैं माजूर हूं, उठ नहीं सकता। आओ मेरे हाथ के सहारे से उठो। बिटाली जब मैंने उनके मुबारक हाथों को अपने जिस्म पर महसूस किया तो मुझे लगा कि मैं पहले कोई बीमारी में मुब्तला था ही नहीं, और आज अपने आप को पहले से ज्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज। सोहेल भाई अब मुझे चलना चाहिए, एक जरूरी काम याद आ गया है। अरे वसीम भाई रुकते हैं, कुछ खाकर जाते हैं। नहीं नहीं इंशाल्लाह अगली बार, चलिए खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा मैंने आपकी दवाई ले आया बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया बाबा, मैंने आपकी खिदमत करने के बजाय आपसे बदतमीजी से पेश आया, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, मौला तुम्हें सलामत रखे बेटा। अल्लाहुम्मा सल्ला अला मुहम्मद वाल मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।